तो दोस्तों YouTube से जो मेरी अर्निंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि YouTube से कैसे कमाई होती है, कितना टाइम लगता है और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। दोस्तों अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही सही जो डिटेल है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको दूंगा, ताकि आपके जो मन में सवाल है किंतु परंतु वो सब दूर हो जाए। देन दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी 28 दिनों की अर्निंग की बात कर लेता हूँ कि कितना टाइम लगा और क्या प्रोसेस था, पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा इन शॉर्ट में। दोस्तों यहाँ पर आप मेरे चैनल का 28 दिनों का पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हो। दोस्तों मेरा चैनल ना ज़्यादा बड़ा चैनल है ना ज़्यादा छोटा चैनल है, एवरेज चैनल है। तो इसकी इनकम के बारे में बताऊँगा, जिसके 5 से लेकर 10 हज़ार के बीच में सब्सक्राइबर और मंथ का कम से कम 30 हज़ार से लेकर 40 हज़ार तक व्यू आते हैं, उसकी रेवेन्यू की बात करेंगे हम, जिसमें कि 28 दिनों में मेरे पास 27 हज़ार से ऊपर लोगों ने मेरा चैनल को विज़िट किया है और उन लोगों ने 42 हज़ार के ऊपर जो कि अपना टाइम दिया है मेरी वीडियोस को, और जिसका सब्सक्राइबर 470 सब्सक्राइबर 28 दिनों में मेरे साथ जुड़े हैं, और जो इनकम की बात है तो $83 आप यहाँ पर चेक कर सकते हो वन मंथ की मेरी अर्निंग जो स्टार्ट हो चुकी है। $83 को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें, दोस्तों $1 है जो 73 रुपीज़ का है, तो 83 × 73 करें तो हम 6 हज़ार के आसपास में मेरी मंथ का अर्निंग जो हो चुकी है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया मेरा चैनल अभी जो एवरेज है जस्ट ना बड़ा है ना ही छोटा है, तो एवरेज चैनल की जो अर्निंग 6 हज़ार मंथ की है, बट जैसे ही मेरी पुरानी वीडियोज़ पर भी अर्निंग कुछ ना कुछ डॉलर साथ में जुड़ रहे हैं और उनमें वीडियो में ही जुड़ जुड़ के जो रेवेन्यू है वो बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों YouTube की ये पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है 365 दिनों में कंप्लीट होना चाहिए, इसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है। दोस्तों मेरा तकरीबन 7 मंथ में जो मोनेटाइज सिस्टम ऑन हो गया था, पर क्लिक करने के बाद इस तरह के 3 ऑप्शन मेरे सामने आ गए, जो फर्स्ट था वो मैंने डन किया, उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप पर आया तो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना था। दोस्तों इसकी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा कि गूगल अकाउंट एडसेंस कैसे बनता है। उसके बाद तो मेरा चैनल वो रिव्यू में चला गया। दोस्तों रिव्यू में जाने के बाद एक चैनल को कम से कम 10 से 15 दिनों का टाइम लग जाता है, पर मेरा चैनल है जो सिर्फ एक दिन में ही मोनेटाइज का सिस्टम अनेबल हो गया था। रिव्यू में जाने के बाद दोस्तों आपके पास एक मेल आता है, जैसे ये आप चेक कर सकते हो, मेरे पास ऐसा मेल आया तो अंदर से बहुत खुशी भी फील हुई। तो इस मेल में लिखा हुआ था कि आपका चैनल है जो मोनेटाइज के लिए एक्सेप्टेड कर लिया गया है, और आगे का प्रोसेस मुझे क्या करना था, अपनी सभी वीडियोज़ का जो मोनेटाइज सिस्टम है वो ऑन करना था। यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हो, जब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो ये ऑफ होता है, इसके बाद जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इसको ऑन करना पड़ता है सारी वीडियोस पर। पर प्रॉब्लम ये थी कि मुझे टेंशन इस बात की हो रही थी कि ग्रीन डॉलर आ रहा है, जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हो ग्रीन डॉलर, तो ये ग्रीन डॉलर ही आता रहे, बट मेरी 4 या 5 वीडियो पर जो येलो डॉलर भी आ गया है। बस येलो डॉलर का मतलब ये होता है कि आपका जो ये वीडियो है ये एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है, इस पर हम ऐड नहीं दे सकते। कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों यूट्यूब की, शायद गाइडलाइंस के अगेंस्ट मैंने कोई वीडियो बना दी होगी, बट इसका चैनल पर कोई असर नहीं पड़ता है। बस ये प्रॉब्लम ये है कि इस पर कभी ऐड नहीं आएगी, अगर आएगी तो कम से कम आएगी। और ग्रीन डॉलर का मतलब ये है कि आपका आपकी जो वीडियो है वो उस पर धड़ाधड़ एड्स की बरसात होगी और अर्निंग होगी। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए मुझे 3 दिनों का वेट करना पड़ा। दोस्तों $10 है जो कंप्लीट होने चाहिए हमारे गूगल एडसन अकाउंट में, और उसके बाद बाय पोस्ट मेरे पास एक वेरिफिकेशन पिन आया, जो वेरीफाइड होने के बाद जो मेरा बैंक अकाउंट है जो यूट्यूब के साथ लिंक कर दिया, अब डायरेक्ट जो अर्निंग है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ रही। दोस्तों ये पैसे मैं तब निकाल सकता हूँ जब मेरे $100 हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे बैंक अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो $83 हुए हैं, जैसे ही ये $100 हो जाते हैं तो मैं इसको विड्रॉल करा सकता हूँ। शॉर्ट में मैंने आपको बता दी ये प्रोसेस हुआ, 1 मंथ का पूरी डिटेल मैंने आपके सामने रख दिया। और अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है, कुछ आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर यूट्यूब पर आप भी अर्निंग करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मैं रेगुलरली वीडियो पाता रहता हूँ कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाना है और यूट्यूब पर कैसे अर्निंग करनी है। ओके दोस्तों।